Τσέξω να είδε. Νικόνε, σωμα μην είναι καλύτερο. मैं जानती हूँ तुम्हारी हालत बहुत खराब है, पर इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन। क्यों दीदी? क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की उनको सजा दिलवानी कि नहीं, उनकी शिकायत तो दर्ज करानी होगी। चलो शाबाश। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। मैं अभी आती हूँ। ये भेजिएगा मुझे। मतलब ये है कि इस इज्जतदार लड़की की इज्जत लूटी गई। आप भी कमाल का मजाक करती हैं डॉक्टर साहब। क्या मतलब? मतलब मैं अभी समझाता हूं। बता उन ससुरों के नाम जिनकी आंखों के सामने तेरी इज्जत लूटी गई। बता, है कोई गवाह? आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये बेचारी गवाह कहां से लाएगी? तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये बेचारा गवाह ढूंढता फिरेगा, वो भी एक बेबुनियाद केस का है? बेबुनियाद क्यों? डॉक्टर साहब, हमारा मुंह मत खुलवाइए। मैं तो ये कहूंगा कि आप इस लपड़े में मत पड़िए, प्लीज। चल उठ जा सर, उठ। आप कैसे ऑफिसर हैं इंस्पेक्टर साहब?
एक लड़की के साथ बेइंसाफी हुई है, आप उसकी एफआईआर लॉन्च करिए। मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, प्लीज आप इस लफड़े में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एफआईआर दर्ज हो गई डॉक्टर सुदामिनी, वो तो बात ही नहीं सुनते, हम कुछ कहते हैं वो कुछ और बोलते हैं, और एफआईआर तो रजिस्टर ही नहीं करी उन्होंने। एफआईआर रजिस्टर नहीं की? ना बिल्कुल नहीं। आप जाके मेरी चाबी लाइए गाड़ी की, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। इसको कुछ दीजिए जब तक चाय कॉफी की। I'll just come back. मैं आपकी बात समझा नहीं डॉक्टर साहब। इतनी भी पेचीदा बात नहीं कही मैंने इंस्पेक्टर, ये लड़की यहाँ पे शिकायत लिखवाने आई थी, आप इसका एफआईआर दर्ज कीजिए, बात काफी आसान सी है। देखिए डॉक्टर, मैं पहले भी समझा चुका, शिकायत लिखवाना इस लड़की का हक है और एफआईआर दर्ज करना आपका फर्ज। यू डू नॉट विश मी टू रिमाइंड यू ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू? ठीक है डॉक्टर साहब, खाना पूरी करने के लिए मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ। ताकि खाना पूरी आपकी अधूरी ना रह जाए, मैं इस औरत का बकायदा प्रॉपर चेकअप करके ये रिपोर्ट लाई हूँ, प्लीज टेक इट। लेकिन इसको एग्जामिन तो गवर्नमेंट डॉक्टर ही करेगा। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक उस औरत के जिस्म के किस किस भाग में चोटें या खरोंचे? अच्छा खासा बेहुदा सवाल पूछा आपने। लेकिन ये हम हक रखते हैं कि ये बात पाठक तक पहुंचाई जाए कि नहीं। ना आप ना आपका पाठक ये हक रखते हैं कि उस औरत पे कौन बलात्कार किया जाए। ना प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सोहेल रावत है, मैं आपसे जर्नलिस्ट के नाते नहीं बल्कि कहानीकार के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस औरत को कहाँ कहाँ खरोंच लगी और कहाँ कहाँ चोट आई, यही ना? अपना अखबार बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको उस औरत से अगर जरा सी भी सहानुभूति होती तो आप इस तरह के वाहियात सवाल नहीं पूछते। वो एक भिखारन ही सही मगर एक औरत है। Why don't you try and understand whoever you are, writer or journalist, I don't care. Now if you please excuse me. Come, Shadi. तुम पहले ठीक हो जाओ फिर वापस जाएंगे। मैं इसे काफी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। पहले इलाज उसके बाद फिर फैसला करेंगे तुम्हें कहाँ जाना है। क्या सोच रही हो बेटे? मैंने तय कर लिया मम्मी, इंटर्नशिप पूरी होते ही सौदामिनी को मैं परमानेंटली ज्वाइन कर लूंगी। क्यों? अलाइक मम्मी, वो एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी है। हाँ आदर्शवादी भी है, इंसान के सामने आदर्श ना हो तो फिर जिंदगी का अर्थ ही क्या रह जाता है। क्या बात है मम्मी? उस दिन की घटना याद आ रही है जब संजीव तुम्हारा मौसेरा भाई हमारे यहाँ ठहरा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे को चाहते थे। तो क्या आंटी घर पे नहीं है क्या? नहीं अभी गई है बाहर। संजीव जो सवाल तुमने पूछा है उसका जवाब तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, काफी सारे इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं और फीलिंग्स भी, मगर जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। मैंने कौन सी ओरिजिनल बात कह दी है? मैं एमएस हूँ, तुम गायने में एमडी हो, लंदन में चाचा जी से कुछ मदद लेके
एक क्लिनिक खोल लेंगे और वहां पर तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, एक एमएस का और एक गायनेकोलॉजी का। विल मेक अ गुड टीम, अ बिजनेस टीम यू मीन। एक अच्छा कपल साबित होना काफी नहीं है क्या? ये लंदन जाने की जिद क्यों संजीव? लंदन इज आफ्टर ऑल लंदन यार। देखो, इतनी पढ़ाई जो मैंने की है वो इसलिए नहीं कि मैं बाहर वालों की जाके सेवा करूं। मैं अपने देश में रहकर अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूं। About that I'm very clear। तो फिर मैं इसका क्या मतलब समझूं? ये मैरिज प्रपोजल था या बिजनेस प्रपोजल, इसका मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो तो चला गया बाहर सेटल होने और बिन माँ बाप की सुदामिनी अकेली रह गई। ऐसो के संगे में तन्हाई तो लिखिए मम्मी। ये तो वही सुहेल रावत है जो उस दिन आया था। नॉवेलिस्ट, क्रिटिक, न जाने क्या कुछ। He's a famous man. TV में, मैगज़ीन्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ इनके इंटरव्यूज आ चुके हैं। Really? Yeah. Shalini, that day I was so rude to him. इतने बुरे ढंग से मैंने उनसे बात की।
मैं आपसे जर्नलिस्ट के नाते नहीं बल्कि कहानीकार के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस औरत को कहाँ कहाँ खरोंच लगी और कहाँ कहाँ चोट आई, यही ना? अपना अखबार बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको उस औरत से अगर जरा सी भी सहानुभूति होती तो आप इस तरह के वाहियात सवाल नहीं पूछते। वो एक भिखारन ही सही मगर एक औरत है। Why don't you try and understand whoever you are, writer or journalist, I don't care. खैर अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारे पेशेंट का टाइम है। That's right. See you later. Bye. ये बीबी ध्यान से हाँ ध्यान से जाइएगा, चलान है, फिसलन भी संभाल के जाइएगा बीबी जी। हाँ हाँ ठीक है रे मुए। सुन रे प्यासो, अब मैंने तेरे साथ यहाँ नहीं आना, समझी ना? ये मुआ भी समझा कि मैं तुझे नहीं तू मुझे लेकर आई है लेडी डॉक्टर के दिखाने। ओहो माँ, तुझे नहीं मुझे कह रहा था। फिर भी अपना वजन कम करो, कई बार कहा है। ये देखो सौदामिनी, मिस्टर सुहेल रावत की कहानी छपी इस मैगजीन में। एक औरत के रेप केस की कहानी है जो दीपा के रेप केस से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जी हाँ, हमने भी ये कहानी पढ़ ली है। वाकई में बहुत ही सेंसिटिव तरीके से लिखी गई है ये कहानी। वेरी वेरी, तुम्हें कैसे लगे? सच बताऊं, मुझे ऐसा लगा जैसे सुहेल रावत ने पूरी की पूरी नारी जाति की वेदना, तड़प, आक्रोश और दया भाव को बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रेट की इतनी छोटी सी कहानी में। वाकई पढ़ के बहुत अच्छा लगा। एक बात और भी है, कहीं कहीं कुछ कुछ मुझसे संबंधित भी लगा। अगर ये शख्स सुहेल रावत मुझे कहीं मिला तो उनसे जरूर पूछूंगी। यार सुहेल, तेरी वो कहानी बड़ी चर्चित हो गई आजकल, मैं उसके राइट्स ले रहा हूँ तेरे से। दरअसल एक कहानियों का संग्रह छाप रहा हूँ, उसमें छापूंगा। ठीक है। अच्छा राम, यार ये प्लाइट ऑफ वुमेन इन इंडिया पर कोई किताब है? क्यों, कोई रिसर्च कर रहा है क्या? ये तो मैं देख लेता हूँ। आप ऐसा करो कि इसको वो चौथे शेल्फ पर जो प्लाइट ऑफ वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री केके की किताब है ना, वो इसको दिखा दो। ठीक है, तू जाके वो किताब देख ले। अच्छा फिर मिलते हैं। मिलता हूँ। ओके। आप यहाँ देखिए किताब। बेगाना ही पाओगी मुझे। I'm sorry. अरे आप? आप? मैं तो आप ही की किताब देख रही थी। अच्छा? अगर इसमें कहानियाँ इतनी ही अच्छी हैं जितनी कि आपकी नई कहानी, तो मेरे 80 रुपए व्यर्थ नहीं गए सुहेल साहब। अच्छा, तो आपने कहानी पढ़ी है? जी हाँ पढ़ी, और अपने आप को पहचाना भी अनुराधा के पात्र में। वैसे आपने उस पात्र की कुछ ज्यादा ही खुले दिल से तारीफ की। आप ऐसा समझती हैं? बिल्कुल। मैं आपसे कुछ और भी कहना चाह रही थी। क्या? उस दिन आप मेरे घर आए और मैं आपसे ठीक से पेश भी नहीं आई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और फिर भी आपने मुझे अपनी कहानी में एक दया की मूर्ति जैसा बना दिया। आपकी दया भावना जिसमें आक्रोश का अंश भी था, वो उस औरत के प्रति थी जिसका बलात्कार हुआ था, उसी का चित्रण किया है मैंने। कोई आए? आइए आइए रावत साहब, आइए। वैसे मैं वेस्टर्न कस्टम का कायल नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए फूल लाए बगैर रहा नहीं गया। फूल तो बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ फूल? क्या मतलब? अगर हिंदुस्तानी नारी की, खैर छोड़िए, जाने दीजिए। क्यों? दरअसल हिंदुस्तानी नारी की अगर तुलना फूल से की जाए और खास तौर से गुलाब से, तो बुरा मान जाती है। अच्छा कहा, कॉम्प्लीमेंट दे भी दिया और नहीं भी रावत साहब। ओह, ज्यादा चोट लगी आपको?
जी नहीं, लेकिन ये रावत साहब क्या हुआ? सुहेल रावत आप ही का नाम नहीं है क्या? सिर्फ सुहेल से काम नहीं चल सकता? चल तो सकता है, अगर आप सुदामिनी से काम चला ले तो। जरूर चलाएगा। आइए आइए सुहेल सर, प्लीज। ये केक मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लीजिए ना। मैं पूछने वाली थी कि मैं एक पीस ले लूं क्या? चाय देना। थैंक यू। गर्मा गर्म चाय। दूध ले। चाय पर बात करेगी हमें मालूम ना था। नहीं मैं भी लेती हूँ, आप चीनी लेते हैं? हाँ, एक। एक या दो? एक। इतना मीठा लिखते हैं तो दो चम्मच तो पीते ही होंगे। थैंक यू। आप लीजिए ना।